नमस्कार, एसएस फूड एंड पिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजमा मसाला और भाजी मसाला बनाना सिखाएंगे, जो कि मल्टीपर्पस है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब हम आपको बताएंगे कि इस मसाले को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इसको आप कम मात्रा में भी बना सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी बना के आप इसको डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैं बहुत कम मात्रा में बना रही हूँ। ये लगभग 50 ग्राम मेथी दाना और लगभग 50 ग्राम ये साबुत धनिया, ये देसी धनिया है, और लगभग एक चम्मच ये हल्दी है। हम आपको बताते हैं इसको हम किस तरह से बनाएंगे। हमने इस तरह से पहले गैस को ऑन करना है और हमने ये मेथी दाने को हल्का सा भूनना है। हमको जब हम इसको भूनेंगे तो आँच को कम रखना है, वरना ये जलने का डर रहता है। अब आप देखें, हम मैं इसको इस तरह से भूनूंगी। अब हम इस तरह से धनिया डालेंगे। हमने इसको दरमियानी आंच में भूनना है। ये मसाला जब हम राजमा बनाते हैं या मसाले वाली सब्जियां बनाते हैं तो उसमें ये डाला जाता है। इसको हम बाद में नहीं डालते, जब हम ये सब्जियां बनाते हैं तो पकाते वक्त मसाले में इसको डालते हैं। हमेशा जब भी आप गरम मसाला, चना मसाला या भाजी मसाला बनाएं तो तमाम मसालों को हल्का सा भून लेना चाहिए, क्योंकि इन गरम मसालों में अपना ऑयल होता है। जब आप इसको गरम करते हैं वो तभी बाहर आता है, अन्यथा आप इसको अगर कच्चा या साबुत डालेंगे तो गरम मसाले की इतनी खुशबू कभी भी नहीं आती। आप ये घर पे आजमा के देखना। ये अब इसमें से हल्का हल्का भुनना ये शुरू हो गया और इसमें अब हल्की हल्की खुशबू आ रही है। ये देखो, हम लोग हमेशा अपने सब्जियों के लिए और जो दूसरे खाने बनाते हैं तरी वाले, हम ये तमाम मसाले हम घर पे ही बना के और पीस के हम घर के ही बने यूज़ करते हैं। ये अब हल्का हल्का भुन चुका है और इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसको मिक्सी में महीन पीस के पाउडर बना लेंगे। ये अब मैंने इसको मिक्सी में महीन पीस लिया। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी इसलिए डाली जाती है कि ये मसाले का थोड़ा सा कलर आ जाए। ये असली हल्दी है। अब हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। आप जब भी राजमा या मसाले वाली सब्जी बनाएं तो जब आप मसाला बना रहे हो उस वक़्त इसको आधा चम्मच या जितनी मात्रा में आप राजमा बनाते हैं उसके अनुपात में आप इसको, ये देखो इसकी रंगत ऐसे आई है, मैंने ये हल्दी डाली है, इसका कलर बहुत अच्छा आ गया और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।